दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रायते की रेसिपी, जो कि है गाजर का रायता। सर्दियों में गाजर बहुत बढ़िया आती है, तो हमें गाजर का रायता जरूर बनाकर खाना चाहिए। और इस रायते को अगर आप मेरे बताए तरीके से बनाएंगे तो आप एक की जगह दो कटोरी खाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। मैं तोशी राजस्थानी तड़का वितोशी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये गाजर का रायता। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे गाजर। इन्हें देखिए मैंने धो के छील करके रख लिया है और अब इन्हें मैं कद्दूकस करूंगी। तो जब तक मैं गाजर कद्दूकस कर रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये गाजर देखिए हमने कद्दूकस कर ली। अब इन्हें हम डाल देते हैं एक प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम गाजर को डाल देते हैं क्योंकि इन्हें हमें बॉईल करना है। और ये गाजर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 कप पानी। पानी हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि गाजर में ऑलरेडी पानी होता है। और कुकर का ढक्कन लगा करके हम इसे रख देंगे गैस पर और इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। तो 2 सीटी कुकर में आ चुकी है और इसे अब हम खोल देते हैं और गाजर को ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए मैंने लिया है दही। दही देखिए आप मेरे घर का जमाया हुआ है और कितना बढ़िया दही जमा है। मैं दही हमेशा अपने घर पर ही जमाती हूँ, आप चाहें तो डेयरी से भी दही ले सकते हैं। तो ये करीब मैंने जो दही लिया है ये 1/2 किलो के करीब दही है और इसे मैं अब फेंट लेती हूँ। तो ये दही हमने फेंट लिया है और अब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो गाजर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें डालनी है। सबसे पहले ये देखिए इसमें पानी कितना कम हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन इसे भी हम यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से आप एक छलनी लीजिए और छलनी में ये गाजर को आप इस तरह से डाल करके इसका जो पानी है वो निकाल दीजिए। पानी के साथ भी आप गाजर को रायते में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम रायता बनाते हैं तो रायता बहुत टेस्टी लगता है। अब इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम कोई रसे वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, या फिर इडली ढोकला बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, टोमेटो सूप वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इस पानी का क्या करूँगी, इस पानी में मैं थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल दूंगी और ये हमारा बहुत टेस्टी गाजर का जूस तैयार हो जाएगा। तो ये पानी हमने अलग कर दिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च और काला नमक डाल लीजिए। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, थोड़ा काला नमक डाल दिया और 1/2 नींबू और इसे हम जूस की तरह से पी लेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। ले लीजिए हमारा गाजर का जूस तैयार है। अब हम बनाते हैं रायता। तो ये देखिए दही को मैंने फेंट लिया था और अब इसमें डाल देती हूँ मैं गाजर। जितनी गाजर आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। अगर इसमें से गाजर बच जाती है तो आप फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन रायता बना लीजिए। अगर आपको रायता गाढ़ा गाढ़ा पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी छाछ ऐड कर सकते हैं, और छाछ नहीं भी ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये गाजर वाला पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ी सी गाजर मेरे पास बच गई है, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब मुझे रायता बनाना होगा मैं बना लूंगी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ करीब 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच काला नमक, सॉरी जीरा मैं दिखाना भूल गई, 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच सादा नमक। तो ये सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अब हम तैयार करते हैं इसके लिए तड़का। तड़के के लिए हम ले लेंगे सरसों का तेल। तो करीब 3-4 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गर्म होने के बाद ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे के बाद हम इसमें डालेंगे 10-15 कलियां लहसुन की काट के। गैस हम इस समय पर बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए, तो अभी लहसुन ब्राउन नहीं हुआ है तो मैं गैस को वापस से ऑन कर देती हूँ। आप इसमें चाहें तो 2-4 कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ। तो ये लहसुन देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया और अब हम इसे डाल देते हैं रायते में।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। तो ये लीजिए, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो हमारा टेस्टी और हेल्दी रायता तैयार है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।